देख रहे हैं आप, ये निरल बस स्टैंड का सीन है। यहाँ से आपको बस मिलेगी और 10 रुपये में आपको दहीवली गांव छोड़ देगी। फिर वहाँ से लवदी गार्डन है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 5 मिनट की डिस्टेंस पर। तो ये निरल स्टेशन जाने का रास्ता है। आप जो देख रहे हैं, ये निरल स्टेशन जाने का रास्ता है। ये आपको ले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और यहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज की साइड में से रास्ता जा रहा है। और यहाँ पर टिकट विंडो भी है, CRMS का बिल्डिंग भी है। और दूसरी साइड ब्रिज स्टैंड करके जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड आपका नेरल माथेरन रहेगा और प्लेटफॉर्म 1 की साइड है आपका जो लब्धी गार्डन के प्रोजेक्ट हैं वो आपके रहेंगे। जिधर की साइड ये फ्लैट का लोकेशन रहेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड। बाहर की साइड जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर ही शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहाँ पर आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। और दूसरी साइड जो रहेगा आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 रहेगा। अभी देखिए, ये पीपल के पेड़ के पास से ही जगह जा रही है, रास्ता जा रहा है। ये रास्ता आपको सीधा पहुँचाएगा बस स्टैंड, जहाँ से आप बस पकड़ करके जा सकते हैं। तो अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं साइकिल के द्वारा, बाकी आप बस पकड़ करके जा सकते हैं। 10 रुपये बस से लगते हैं और अगर आप ऑटो से जाते हैं दहीवली गांव के लिए तो वहां पर 20 रुपये लगते हैं। और सीधा मतलब कि आपको हर 5 या 10 मिनट के अंदर बस या ऑटो है आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम आप मान लीजिए 20 मिनट में मिल जाएगा और आप आराम से दहीवली गाँव का जो फाटक है, जो कुछ फाटक टाइप में कुछ जगह बोलते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो जगह हम आपको दिखा देंगे और फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा सिर्फ 5-7 मिनट का। 5-7 मिनट में आप साइड पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि हम अभी आपको दिखा देते हैं बस स्टैंड का नज़ारा, क्योंकि देखिए ये जो गली है, उस गली में से हम निकलेंगे तो सीधे हम नेरल बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि हम पहुँच गए हैं अभी, ये निरल बस स्टैंड है। तो यहाँ पर आपकी बस खड़ी रहेगी, ऑटो भी खड़े रहेंगे। ऑटो दहीवली गांव की साइड जाते हैं और बस भी जाती है, गवर्नमेंट बस है वो भी जाती है। तो रेट आपका वही बताया मैं, बस का 10 रुपये रहेगा और ऑटो का जो है वो 20 रुपये रहेगा। तो अभी हम साइकिल से ही आगे ट्रेवल करते हैं। देखिए राइट साइड आप घूम जाएंगे तो ये चौड़ा सा आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ पर दुकानें काफ़ी हैं और अभी सेटलमेंट हो ही रहा है धीरे धीरे, और ऑटो भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवहन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा मूव कर रहे हैं फ्लैट की साइड। तो आप रास्ता देखते रहिए, जैसे ही हम मूव करेंगे फ्लैट की साइड तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी आप देखते रहिए कि बीच बीच में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कितनी हरियाली है, कितना पॉपुलेशन है, कितना बसावट है, कितनी बिल्डिंग है। तो देखिए जैसे कि हम निकल रहे हैं और आपको बीच बीच में जो रास्ते हैं वो भी आपको दिखते रहेंगे। जैसे कि ये रोड पर आपको लेफ्ट साइड में एस मार्ट दिखेगा, आगे की साइड यहाँ पर जो है एस मार्ट रहेगा। ये एस मार्ट है, यहाँ पर जैसे डी मार्ट रहता है वैसे ही एस मार्ट है। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें खाने पीने की या जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। और सीधा रोड हम चल ही रहे हैं अभी, और ये बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पर। अभी फ्लैट का रेट ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इनमें अमेनिटीज नहीं है। ये आपकी उल्लास रिवर है जो कि बरसात के टाइम पे ओवरफ्लो होती है, मतलब हर 3-4 दिन में ओवरफ्लो होती है 2-5-10 घंटे के लिए, और फिर वापस पानी नीचे चला जाता है। और सामने आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग है, वो लब्धी गार्डन की बिल्डिंग है। और नदी में पानी का आनंद भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब भी नदी में आप नहाते हैं तो रिस्की इसलिए है क्योंकि उसमें कहीं पर 2 फिट कहीं पर 15 फिट पत्थर जो है नुकीले पत्थर हैं। तो ये ओपन एरिया थिएटर है जिसे हम एमपी थिएटर कहते हैं। तो ये लब्धी गार्डन का एमपी थिएटर वाला एरिया है और यहीं पर पास में ही गार्डन है। तो एमपी थिएटर आप देख लीजिए, ये एमपी थिएटर है जो कि मैं साइकिल पर चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये लब्धी गार्डन का चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, बच्चों के लिए सेटलमेंट किया हुआ है, यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। और इससे जस्ट आगे अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पर आपका रहेगा स्केटिंग ग्राउंड है। यहाँ पर आप स्केटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों स्केटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम,
आपको यहाँ पर दिखेगा आगे मल्टी पर्पज, और इधर आप मूव कर जाएंगे तो ये है आपका सीनियर सिटीजन गार्डन। सीनियर सिटीजन गार्डन में या नॉर्मल गार्डन आप मान सकते हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। काफ़ी एरिया गार्डन का एरिया है काफ़ी, जो कि एकदम नदी के टच में है। मतलब एक तरफ आपकी नदी है और एक तरफ आपका ये पूरा गार्डन है, तो आप गार्डन में अपने हिसाब से है घूम सकते हैं और जो यूपी है उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो ये आप एमपी थिएटर में आप देख लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, एमपी थिएटर आपने देख लिया है और गार्डन आपने देख लिया है, बच्चों का जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है वो आपने देख लिया है। तो मैं यहाँ पर क्या आया हूँ, खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर छाया है थोड़ी सी, तो छाया में बैठ करके मैं थोड़ा सा खाना खाऊँगा। थोड़ा सा अपना होमवर्क है वो मैं करूँगा, क्योंकि फाइल वगैरह भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। तो अपना सामान है मैं यहाँ पर रख देता हूँ छाया में बैठ के। यहाँ पर ठंडी हवा में थोड़ा बैठेंगे। अपना चेयर है वो निकाल लेता हूँ। ये चेयर आपको फोल्डिंग चेयर है, ये आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं। इसका वजन 800 ग्राम है और 600 रुपये की है, और वैसे इसका जो कैपेसिटी है वो 120 केजी है। मतलब 120 केजी तक का इंसान है इस चेयर पर बैठ सकता है। ऊपर से आप देखेंगे जब, तो ये आप फ्लैट हैं, अलग अलग बिल्डिंग हैं, टोटल 5 फ्लोर हैं। सामने नदी का व्यू है, लेकिन आपको सामने नदी का व्यू नहीं दिखेगा, स्विमिंग पूल। और ये आपका जो है गर्म पानी के लिए सोलर हीटर लगाए गए हैं, तो ये वैक्यूम ट्यूब वाली हैं जो पानी को गर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाएंगी। तो इसको हम नीचे डाल देंगे, इसको उठा के लेके चलते हैं फ्लैट में डाल देंगे। अभी हम दिखा देते हैं आपको फ्लैट, फ्लैट का नंबर देखिए। ये तो फ्लैट के अंदर से व्यू है वैसे, तो यहाँ पर आपका फ्लैट जो रहेगा वो रहेगा 701, फ्लैट नंबर 701। इसको हम खोल लेते हैं चलो एक बार। तो जैसे हमने इसको खोला तो यहाँ पर आपको ये वाला एरिया है, ये हॉल रहेगा, ये किचन रहेगा। किचन में सामान ऐसे ही पड़ा है और सामान हमने रख दिया है किचन में। और आपका हॉल दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट, ऊपर बुक्स वगैरह रखी हुई है। तो बुक्स सारी हैं यहाँ पर, UPSC, RPSC और बाकी टेक्निकल की। बाकी बाहर का ये रूम है, और रूम में थोड़ा सा ये बजाने का सामान भी है आपका। और ये बाहर आप खिड़की खोल लीजिए, दोनों दोनों रूम में और हॉल में दोनों में खिड़की है, विंडो हैं, ताकि बाहर से हवा आ सके। और बाकी बहुत सारा आइटम है आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, साउंड, आपके ये जो कीबोर्ड वगैरह है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके की पड़ी हुई हैं। आपके लैपटॉप और चार्जर जो भी हैं, ये नहाने के लिए हमारे पास रस्सा और वो हम लिए हुए हैं हम, ताकि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर सकें। और बाकी किचन में भी ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है अभी तो, लेकिन बाद में जब एकदम ओसी मिल जाएगा, ओसी के बाद में इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम कर देंगे, तो तभी तक तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और तब तब नज़ारा कुछ अलग रहेगा। अभी आ गए हम घूमने के लिए नदी पर, तो नदी का व्यू आप देख रहे हैं। ये मैं पाइप और वो रस्सी साथ में लेके आ गया हूँ यहाँ पर बैठने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ जाएंगे। और सामने ही आप देख सकते हैं फ्लैट है और नदी का व्यू आप देख सकते हैं। ये पत्थर जो है नदी के, जब नदी में आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कहीं पर 2 फीट कहीं पर 25 फीट हो सकता है नदी में तैरते तैरते आप किसी गुफा में घुस जाए। तो नदी में हमेशा तैरना बहुत रिस्की होता है, इसलिए मैं रस्सा बांध करके और इसका ट्यूब को लेकर के साथ में नहाने के लिए जाता हूँ डेली नदी में। तो रिस्की तो है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के साथ में थोड़ा बहुत स्विमिंग भी आता है, थोड़ा बहुत ये रस्से से बच जाते हैं, थोड़ा बहुत अपना ट्यूब से बच जाते हैं। तो वो है अपने हिसाब से, अपने वो सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है और उस हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी पानी जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे साफ़ है, सिर्फ बरसात के टाइम पे ही थोड़ा गंदा होता है 2-3 महीने। तो उसके बाद में अगर जैसे बरसात रुक जाती है, 10-15 दिन बरसात रुक जाती है, उसके बाद में पानी एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये पानी की क्लियरिटी आपको मैं दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये देख लीजिए आपकी पानी की क्लियरिटी, वो थोड़ा पत्थरों में आपको दिख रहा होगा कि पानी किस तरीके का पानी है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पत्थर है उसके रस्सा बांध देते हैं हम, और रस्सा बांधने के बाद में इसमें आराम से नहा लेते हैं। जितना गर्मी लगेगी उतना ही देर तक हम इसमें पड़े रहते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे,
चार चार घंटे भी हम इसमें पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखिए अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं ही आया हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सामान रख देते हैं और नदी में कूदने की तैयारी करते हैं। तो नदी में नहाने के बाद में ये थोड़ा हमने बैठने के लिए लगा दी है चेयर, ताकि अगर ज़्यादा छाया रहेगा थक जाएंगे तो चेयर पर बैठ जाएंगे। ये रस्सा हमने ले लिया है, रस्से को हम बांध देते हैं। तो ये प्रॉपर देखिए पानी का क्लियरिटी आपको दिख ही रहा होगा, पानी का क्लियरिटी कैसा है, बाकी बहता हुआ पानी है ये। और उल्लास रिवर है जो कि लगभग 60 किलोमीटर के एरिया में बहती है, और पीने के पानी की व्यवस्था भी मुंबई में इसके द्वारा होती है। अभी जैसे कि आपने देखा था पहले एम्पी थिएटर, उसी को हम वापस एक तरीके से रिवर्स वे में देख सकते हैं कि एम्पी थिएटर को वापस आप देख लीजिए, क्योंकि वापस से थोड़ा सा इसका जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। एम्पी थिएटर के साथ में आपका जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, क्योंकि ये वीडियो रिपीट हो गया है, तो इस वजह से कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। चिल्ड्रन प्ले एरिया के बाद में आपका आ जाएगा स्केटिंग वाला एरिया, और स्केटिंग वाले एरिया के बाद में जैसे ही आप घूम के राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका सीनियर सिटीजन गार्डन, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपना पर्सनल गार्डन। तो पर्सनल गार्डन में आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। तो अभी तो मैं साइकिल से ही घूम रहा हूँ, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा साइकिल से मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है। और इसके बाद वाले जो पार्ट है उसमें मैं आपको स्केटिंग वाला रहेगा, स्केटिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम 15-20 मिनट या आधी घंटा जो भी हम कर सकते हैं, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे कि स्केटिंग वाला जो ग्राउंड है उसमें आप प्रॉपर तरीके से स्केट्स वगैरह में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं अगर आपके पास स्केट रहेगा तो, बाकी तो कह ही सकते हैं आपको। ये तो छाया में बैठने का जुगाड़ है, बाकी ये सब कुछ है नहीं है खास, तो आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं छाया बैठने के लिए। चेयर को आप उसके लिए ला करके नीचे बैठ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर बेड भी है, बेड में आप सो सकते हैं नीचे आ सकते हैं, अगर ऊपर आपको बेहतर लगता है तो नदी के तार नदी के पास आप आ सकते हैं। तो ये है आपका स्केटिंग ग्राउंड, तो स्केटिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस किए थे तो इसका स्पीड में कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ, इसलिए आपको स्पीड के मामले में एकदम बहुत फास्ट यहाँ पर दिखने वाला है। अगर दिखेगा तो बहुत फास्ट दिखेगा, या नहीं तो आपको मूवमेंट दिखेगा ही नहीं। तो ये स्केटिंग का प्रॉपर ग्राउंड रहेगा। पहले सामने जो दिख रहा है आपको सेल ऑफिस था, लेकिन अभी सेल्स ऑफिस है यहाँ से मूव ऑन कर दिया है, मतलब शिफ्ट करके अलग जगह पर कर दिया है। तो यही सब था जो आप कंप्लीट वीडियो में देखे हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट ओसी आ जाएगा उसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे वो भी हम आपको डाल देंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की और किस तरीके की चीज़ें हैं, उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर जैसे ही टाइम मिलता है तो आपकी फैसिलिटी को यूटिलाई कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बता सकते हैं, जैसे भी रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, तो हम आपका वेट करेंगे जैसे भी रहेगा। और जो भी आपका मन है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो पोर्शन है पूरा अटक गया है, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।